नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे। शाम के 7 बज चुके हैं, 7 सवाल लेकर हम हाजिर हैं। मैं हूं अनंत भट्ट। कार्यक्रम में आज बात होगी बिहार की कानून व्यवस्था की। दरअसल राजधानी पटना से केवल कुछ किलोमीटर दूर अपराधियों ने हिंसा का ऐसा खेल खेला जिससे पूरा पटना सिहर उठा। पटना सिटी के जेठुली गांव में आज लगातार दूसरे दिन हंगामा, पत्थरबाजी, हिंसा और आगजनी हुई। ऐसे में हम आज 7 सवालों के जरिए पटना फाइल्स का एक एक पन्ना खोलेंगे। हमारा पहला सवाल अब आपके सामने है और हमारा सवाल है, पटना सिटी में पुलिस और पब्लिक में भिड़ंत क्यों? रविवार को जेठुली गांव में दो गुटों के बीच हुई गोलीबारी में मरने वालों का आंकड़ा 3 तक पहुंच गया है। इलाज के दौरान आज एक और व्यक्ति की मौत हो गई जबकि 2 की हालत अब भी नाजुक है। लिहाजा लोगों का गुस्सा 7वें आसमान पर है। पटना सिटी में अपराधियों का उत्पात, दिन दहाड़े गोलीबारी में 3 की मौत, आगजनी और हिंसा से सहमा इलाका। घटना के 24 घंटे बाद भी बेकाबू हालात। रविवार को पटना सिटी के जेठुली गांव में 2 गुटों के बीच हुए विवाद में जमकर गोलियां चली जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई और 2 लोगों की हालत अभी भी नाजुक बनी हुई है। दिन दहाड़े गोलीबारी और उसमें लोगों की मौत के बाद स्थानीय लोग भड़क गए और उन्होंने आरोपियों के घर, गोदाम और कम्युनिटी हॉल को आग के हवाले कर दिया था। जेठुली में हंगामा और बवाल आज भी जारी रहा। कल दिन में हुई गोलीबारी के बाद वहां बड़ी संख्या में पुलिस बलों की तैनाती कर दी गई थी, लेकिन इसके बावजूद लोगों के मन में पुलिस को लेकर काफी गुस्सा था। लिहाजा पुलिस बलों की तैनाती के बाद भी आज न केवल वहां लोगों ने पुलिस पर पत्थरबाजी की बल्कि पुलिस ने लोगों पर जमकर लाठियां भांजी। उपद्रवियों ने आज भी मुख्य आरोपी के कम्युनिटी हॉल के बाहर खड़ी कई गाड़ियों को फूंक दिया। आज नए सिरे से फिर आगजनी की वारदात हुई है। पुलिस को पीछे हटना पड़ा, लोगों का गुस्सा इतना ज्यादा था जो दूसरे पक्ष के लोग थे। और अभी जो आपको तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं, इसमें देखिए ये जो कम्युनिटी हॉल है जिसको मैरिज हॉल के तौर पे इस्तेमाल किया जाता था, उमेश राय की तरफ से बुकिंग होती थी उसकी, वहां पर कई गाड़ियां खड़ी थी और सभी को आग के हवाले कर दिया गया। एक एक तस्वीरें इस बात की गवाही दे रही हैं कि दरअसल जेठुली के अंदर किस तरह का हंगामा चलता रहा। स्थानीय लोगों का आरोप है कि पुलिस की मौजूदगी में बच्चा राय और उसके समर्थकों ने गोलीबारी की और पुलिस मूक दर्शक बनकर देखती रही। डायरेक्ट आया, थाना था वहाँ पर, थाना सारा भाग गया सर, एक भी थाना वहाँ पर नहीं टिका। सबसे बड़ा गलती थाना के सब हथियार निकाले हुआ था, देखा वो लोग गोली चला रहा है, सारा थाना भाग गया। पुलिस की मौजूदगी में गोली चली? पुलिस की मौजूदगी में सर, कम से कम वहाँ पर 10 से 15 फोर्स था, थाना पर गोली चलने लगा, सब हथियार लिए हुए था, पूरा टाइट था, लेकिन जब गोली चलने लगा तो सारा थाना रिटर्न हुआ, गाड़ी स्पीड किया, नदी थाना था, 112 था, सब थाना भाग गया, कोई थाना रुका, सारा थाना भाग गया, कोई थाना का वहाँ एक्शन ले लेता तो ये सब घटना नहीं होता। पुलिस का दावा है कि 2 पक्षों बच्चा राय और मुनारिक राय के बीच पार्किंग को लेकर विवाद शुरू हुआ। जल्द ही ये विवाद हिंसक हो गया और बच्चा राय और उसके भाइयों ने ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। गोलीबारी के बाद इलाके में हिंसा भड़क गई। पुलिस के मुताबिक स्थिति नियंत्रण में है और अब तक इस मामले में 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। आगजनी भी कल भी हुई है, आज भी घटना हुई है, पुलिस भी वहाँ मौजूद है, इसके बावजूद भी सर तनाव बना हुआ है सर? नहीं, मेरे हिसाब से स्थिति नियंत्रण में है, पर्याप्त पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति की गई है और सभी बिंदुओं पर पुलिस तहकीकात कर रही है। जो भी इस घटना में शामिल लोग हैं उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी, किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा और हम लोग लगातार गहन अनुसंधान इस मामले में कर रहे हैं। जेठुली में कल हुई अंधाधुंध गोलीबारी में अब तक 3 लोगों की मौत हो गई है। आज इस गोलीकांड में घायल मुनारिक राय की भी इलाज के दौरान मौत हो गई। 2 लोगों की स्थिति अभी भी नाजुक बनी हुई है। जैसे हमर जमीन था ना तो ऊपर पहले से गिट्टी गिरा था तो बचू रहा है, तो हमने गाड़ी ली तो धड्डी बनाए तो हल्का कहेंगे भैया गाड़ी पीछे कर लीजिए, गाड़ी हम निकाले तो उतने में ड्राइवर जाके कह दिया तो पूरा आके गाड़ी भारी बके लगा और गोली चला दिया। गोली चलाने के बाद पूरा मर्डर हो गया और बाद में हॉस्पिटल गया तो सुनने अच्छी हो गया। आज दिन में भी कई बार स्थानीय लोगों की पुलिस से भिड़ंत हो गई। वहां स्थिति इतनी बिगड़ गई कि पुलिस को हवाई फायर करके हालात को नियंत्रित करना पड़ा।
अभी भी इस इलाके में तनाव है और पुलिस की मौजूदगी है। पुलिस को कई बार बैकफुट पे जाना पड़ता है, पत्थरबाजी होती है पुलिस के ऊपर, लेकिन इस वक्त ये धुआं जो थोड़ा कम उठ रहा है वो बता रहा है कि माहौल में किस तरह की गर्मी है। आज घायल मुनारिक की मौत के बाद स्थिति अभी भी तनावपूर्ण है और फिलहाल बड़ी संख्या में पुलिस वाले घटनास्थल पर मौजूद हैं। पटना सिटी से तस्वीर भूषण के साथ पटना से रोहित सिंह, गुड न्यूज टुडे। हिंसा की जिस आग में पटना सिटी झुलस रही है उसकी चिंगारी रविवार को सुलगी थी जब दबंगों ने अत्याधुनिक असलहों के साथ करीब 50 राउंड फायरिंग की। दिन दहाड़े हुई इस वारदात ने पूरे इलाके में हड़कंप मचा दिया। नजर हमारे दूसरे सवाल पर। हमारा सवाल है, हिंसा की आग में क्यों झुलसी पटना सिटी? पुलिस के मुताबिक पार्किंग विवाद को लेकर गोलीबारी हुई। हालांकि स्थानीय लोग इस वारदात को जमीन हथियाने और वर्चस्व की लड़ाई का अंजाम बता रहे हैं। रविवार को भड़की हिंसा की आग की तपिश अभी तक कायम है। राजधानी पटना में महज कुछ किलोमीटर दूर पटना सिटी के पास का जेठुली गांव पिछले 24 घंटे से ज्यादा से सुलग रहा है। धूं धूं कर जलती इमारतें और घरों और गोदामों से उठते काले धुएं का गुबार ये बताने के लिए काफी है कि ये इलाका हिंसा की आग में किस कदर प्रभावित हुआ है। रविवार को दोपहर से करीब 12 बजे जेठुली गांव ताबड़तोड़ गोलियों की तड़तड़ाहट से थर्रा जाता है। दरअसल दो गुटों के बीच हुई पार्किंग विवाद में स्थिति इतनी बिगड़ जाती है कि वहां दिन दहाड़े गोली चलने की नौबत आ जाती है। स्थानीय लोगों के मुताबिक बच्चा राय की पहचान इलाके के दबंग के रूप में होती है। रविवार की दोपहर में जब एक दूसरे गुट ने वहां बच्चा राय के गाड़ी लगाने का विरोध किया तो नाराज बच्चा राय, उसके भाइयों और समर्थकों ने अत्याधुनिक हथियारों के साथ गोलीबारी शुरू कर दी। वो लोग थोड़ा बाहुबली टाइप के आदमी है, वर्चस्व जमाना चाहते हैं पूरे गांव पर। तो हम उमेश राय हुए और उनके भाई उमेश राय, बच्चा बाबू जो भी वर्तमान में मुखिया है, सतीश कुमार हुआ एगो रमेश राय हुआ और राम प्रवेश निराला। बच्चा राय जेठली की मुखिया के पति और इलाके में उनकी बैठ है। विवाद का कारण जमीन का एक टुकड़ा है जिस पर बच्चा राय और चनारिक राय दोनों अपना अपना हक जताते रहे हैं। बस वो लोग अपना वर्चस्व जमाना चाहते हैं। हम लोग थोड़ा विरोध किए हैं कि हम लोग गरीब आदमी है तो आप लोग वर्चस्व जमाइएगा। किस वजह से विरोध किए थे? जिससे वो लोग अवैध, जिसका मन चाहता है उसका जमीन हड़प लेता है तो ये लोग कितना सहेगा। हम लोग विरोध किए, आप लोग को चल रहा था हाँ, बहुत से पहले से सब मामला चल रहा है। अब जब ज्यादा विरोध किए तो लोग सोचा कि मेरा वर्चस्व अब घट जाएगा डायरेक्ट। बच्चा राय और उसके समर्थकों के बीच हुई फायरिंग में जब 5 लोगों को गोली लगी तो स्थानीय लोग भड़क गए और उन्होंने जबरदस्त हंगामा किया। वहां लोगों ने बच्चा राय के भाई उमेश राय का घर और मैरिज हॉल को आग के हवाले कर दिया। जिस समय उमेश राय के घर को आग के हवाले किया गया उस वक्त उमेश राय के परिजन घर में मौजूद थे। उन्हें पुलिस ने बड़ी मुश्किल से रेस्क्यू किया। उपद्रवियों ने आरोपियों के घर में खड़ी कार को भी आग के हवाले कर दिया और पुलिस मूक दर्शक बनी रही। वहां गोलियां चल रही थी और पुलिस जान बचाकर भाग रही थी। ब्लास्ट करेगा। स्थानीय लोग पुलिस की भूमिका से बेहद नाराज थे। उनका कहना था कि पुलिस ने समय रहते अगर हालात पर नियंत्रण कर लिया होता तो स्थिति नहीं बिगड़ती। ये आरोपी उमेश राय का मैरिज हॉल है, कम्युनिटी हॉल, जिसको कल आक्रोशित लोगों ने, जब चेनारिक राय और उनके करीबियों को गोली मारी गई तो इन इमारतों को आग के हवाले किया गया। ये आरोपी उमेश राय का मकान है। उमेश राय जो है वो बच्चा राय का भाई बताया जाता है और जो बच्चा राय है वो स्थानीय मुखिया के पति हैं। और हम आपको सीधे दिखाते हैं, ये देखिए राय निवास यहाँ पर जेठुली, श्रीमती मीणा देवी पूर्व उपाध्यक्षा जिला परिषद, ये उनका आवास है। और यहाँ जो तस्वीरें हैं वो बताती हैं कि किस कदर हंगामा हुआ। कल 8 घंटे तक रविवार को हंगामा चलता रहा। लोग इस घर में घुसे, लगातार तोड़फोड़ को अंजाम दिया, घर को आग के हवाले कर दिया और आज नए सिरे से फिर आगजनी की वारदात हुई है। जिस समय जेठली में अपराधियों का उत्पात चल रहा था ठीक उसी दौरान राज्य के नए डीजीपी आरएस भट्टी कानून व्यवस्था की स्थिति को लेकर ही पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे थे। ऐसे में पुलिस की भूमिका पर सवाल उठ रहे हैं।
हम तो जंगल राज 2 नहीं कहते हैं, ये जंगल राज 3 का दृश्य अब हो रहा है, क्योंकि नीतीश कुमार का इकबाल खत्म हो गया है, नीतीश कुमार की विश्वसनीयता खत्म हो गई। इधर पुलिस इस मामले में जांच की बात कहकर कसूरवारों पर कार्रवाई की बात कह रही है। पुलिस तहकीकात कर रही है, जो भी इस घटना में शामिल लोग हैं उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी, किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा और हम लोग लगातार गहन अनुसंधान इस मामले में कर रहे हैं। गोलीबारी की वजह चाहे जो रही हो, लेकिन जिस तरह से अपराधियों ने बेखौफ होकर ताबड़तोड़ फायरिंग की है, उससे इस बात का सहज अंदाजा लगाया जा सकता है कि राज्य में अपराधियों के हौसले कितने बुलंद हैं। पटना से शशि भूषण और रोहित सिंह के साथ दिल्ली से हिमांशु मिश्रा, गुड न्यूज टुडे। गोलीबारी की घटना के बाद से इलाके के लोगों में पुलिस को लेकर भारी आक्रोश है। आक्रोश इस कदर है कि लोगों ने आज पुलिस पर भी पत्थरबाजी की। हमारा तीसरा सवाल अब आपके सामने है और हमारा सवाल है, दिन दहाड़े गोलीबारी के समय कहां थी पुलिस? जिस समय यह वारदात हुई तब क्राइम कंट्रोल को लेकर पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी डीजीपी के साथ मीटिंग कर रहे थे। इस बारे में विस्तार से बता रहे हैं हमारे संवाददाता शशि भूषण। रविवार को पटना सिटी के जेठुली इलाके में जो हिंसा की घटनाएं हुई, उस वक्त बिहार के डीजीपी अपने आला अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे थे। उस वक्त अगर पुलिस बल की इतनी तैनाती हो गई रहती तो शायद इतनी बड़ी घटना नहीं होती, जिस पूरी वारदात के अंदर 2 लोगों की मौत हो गई, 3 लोग अभी भी अस्पताल में इलाज करा रहे हैं और लगातार जो रह रह करके उपद्रव है वो जेठुली के इस इलाके में देखने को मिलता है। हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जो निशान छूट गए हंगामे के बाद, जिन घरों को जलाया गया, जो आरोपी उमेश राय का मैरिज हॉल है उस मैरिज हॉल की स्थिति क्या है उसको देख लीजिए, साथ ही साथ उमेश राय का जो घर है वहां की स्थिति क्या है वो आपको दिखा रहे हैं और लगातार ग्राउंड रिपोर्ट के जरिए हम आपको बता रहे हैं कि दरअसल जेठुली में किस तरह की हिंसा हुई और लोगों का गुस्सा किस कदर यहाँ पे फूटा है। जेठुली गांव में जो हिंसा भड़की, पार्किंग विवाद को उसकी वजह बताया जा रहा है। गाड़ी खड़ी करने को लेकर झगड़ा शुरू हुआ, फिर देखते ही देखते पूरा इलाका गोलीबारी से थर्रा उठा। हालांकि स्थानीय लोगों के मुताबिक विवाद की वजह वर्षों पुरानी अदावत है और उसका कनेक्शन चुनाव से भी है। हमारा चौथा सवाल अब आपके सामने है। सवाल है, हिंसा के पीछे पार्किंग विवाद या वर्चस्व की जंग? इस बारे में विस्तार से बता रहे हैं हमारे संवाददाता रोहित सिंह। फौरी तौर पर इस पूरे घटना के पीछे पार्किंग विवाद एक बड़ी वजह है, लेकिन केवल मामला पार्किंग विवाद तक ही सीमित नहीं है, क्योंकि जो जानकारी सामने आई है कि इस घटना का मुख्य आरोपी बच्चा राय और दूसरे पक्ष चनारिक राय के बीच अदावत काफी पुरानी है और पिछले कई महीनों से इन दोनों के बीच उस इलाके में वर्चस्व की लड़ाई साफ तौर पर देखी जा रही थी। और ये भी जानकारी सामने आई है कि पिछले पंचायत चुनाव के दौरान भी बच्चा राय और चनारिक राय के बीच में काफी कहासुनी और झगड़ा झंझट हुआ था, जिसके बाद से ही दोनों के बीच में काफी मनमुटाव की स्थिति पैदा हो गई थी। और कल जब पार्किंग को लेकर विवाद हुआ तो मानो सब्र का बांध बच्चा राय का टूट गया और उसने अपनी बंदूक से चनारिक राय और उसके साथियों पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। इस घटना में 2 लोगों की मौत हो गई और 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। तो दरअसल इस पूरी घटना के पीछे जो फौरी तौर पर हम देख रहे हैं कि वजह फिलहाल पार्किंग विवाद नजर आता है। जेठुली गांव में वारदात रविवार को हुई, लेकिन इलाके में हंगामा, बवाल और अफरा तफरी आज भी कायम रही। हालात काबू में रहे इसलिए वहां बड़ी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया है। हमारा पांचवां सवाल यह रहा आपके सामने। सवाल है, 2 दिनों की हिंसा के बाद क्या है पटना सिटी के हालात? इलाके के ताजा हालात की विस्तार से जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता शशि भूषण। पटना सिटी का यह जेठुली गांव जो लगातार 2 दिनों से हिंसा का गवाह रहा, आज यानी सोमवार को भी हिंसा की घटनाएं कई बार हुई, आज जनी सुबह से ही देखने को मिली। रविवार की दोपहर जो विवाद हुआ था, जो हिंसा का खेल शुरू हुआ था, उसके बाद जब 2 लोगों की मौत हुई, आज एक बार फिर लोगों का गुस्सा फूटा और उसके बाद पुलिस की टीम जो है वो यहां से निकल गई थी, लेकिन एक बार फिर भारी तादाद में पुलिस बलों की तैनाती की गई है। इस वक्त जो स्थानीय आक्रोशित लोग हैं उनको शांत कराया गया है और 2-3 बार ऐसा मौका देखने को मिला कि पुलिस और पब्लिक आमने सामने थे, जो आक्रोशित लोग थे वो बार बार सड़क पे निकल रहे थे।
कल की घटना में यानी रविवार को जो गौतम नाम के युवक की मौत हुई थी, जब उसकी डेड बॉडी पहुंची यहां पे, तो आज एक बार फिर उबाल देखने को मिला। लेकिन इस सबके बावजूद अभी फिलहाल जो ग्राउंड रिपोर्ट हम पटना सिटी के जेठुली से दिखा रहे हैं आपको, उसमें यह बताने की स्थिति है कि पुलिस बल की तैनाती है, हालात पर काबू पाने की कोशिश है। तो एक तरफ हिंसा से पटना सिटी का जेठुली गांव सुलग रहा है, तो आरा में अपराधियों ने कोहराम मचा दिया। तीन जगहों पर फायरिंग से पूरा इलाका दहल गया। इन वारदातों ने पुलिस पर सवाल खड़े कर दिए हैं, तो अपराधियों के बेखौफ होने की मुनादी कर दी है। हमारा छठा सवाल ये रहा आपके सामने, और सवाल है, आरा में अपराधियों ने क्यों मचाया उत्पात? पटना के अलावा आरा में भी बेखौफ अपराधियों ने कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ा दी। यहां तीन अलग अलग जगहों पर अपराधियों ने फायरिंग की। पहली वारदात नगर थाने की है, जिसमें अपराधियों ने एक ज्वेलर को निशाना बनाया। पीड़ित के भाई के मुताबिक अर्जुन सोनी दुकान बंद कर घर जा रहे थे, तभी बदमाशों ने उनसे शराब पीने के लिए पैसे मांगे। अर्जुन ने पैसे देने से इनकार कर दिया, तो उसे गोली मार दी। वहीं नवादा थाने के मौलाबाग मोहल्ले में भी एक छात्र को अपराधियों ने गोली मार दी। घायल छात्र के अनुसार वो अपने दोस्त के बर्थडे पार्टी से घर लौट रहा था, तभी बाइक पर सवार तीन नकाबपोश बदमाशों ने उस पर जानलेवा हमला किया और फायरिंग कर दी, और एक गोली उसके पैर में लग गई। जबकि आरा के ही सलेमपुर के रहने वाली कमलजीत सिंह की पत्नी अनीता देवी को गोली का छर्रा लग गया, जिससे वो जख्मी हो गई। फिलहाल तीनों घायलों का इलाज अस्पताल में चल रहा है। पटना सिटी के जेठुली गांव में दिन दहाड़े हुई गोलीबारी और हत्याओं ने पूरे राज्य की विधि व्यवस्था को कटघरे में खड़ा कर दिया है। सवाल केवल पुलिस से ही नहीं पूछे जा रहे, बल्कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी निशाने पर लिया जा रहा है। हमारा सातवां और आखिरी सवाल अब आपके सामने है। सवाल है, क्या बिहार में कानून व्यवस्था के मुद्दे पर सियासत शुरू हो गई है? वारदात को लेकर विरोधी दल हमलावर हो गए हैं। केवल जेठुली गांव ही नहीं, हिंसा की और भी वारदातों का हवाला देकर नीतीश सरकार को कटघरे में खड़ा किया जा रहा है। विपक्षी इसे जंगल राज की वापसी बता रहे हैं, वहीं सत्ताधारी दल इससे इनकार कर रहे हैं। पटना सिटी में गोलीबारी और हिंसा को लेकर एक बार फिर से बिहार में कानून व्यवस्था को लेकर कई तरह के सवाल खड़े होने लगे हैं। राजधानी पटना से महज कुछ किलोमीटर दूर ही जेठुली में पार्किंग को लेकर जिस तरह से अत्याधुनिक हथियारों के साथ पुलिस की मौजूदगी में अपराधियों ने बेखौफ अंदाज में गोलीबारी की, उससे राज्य की विधि व्यवस्था पर विपक्षी दल सवाल पूछ रहे हैं। पटना सिटी में हुई हिंसा को लेकर सीएम नीतीश कुमार अब विपक्षी दलों के निशाने पर आ गए हैं। कानून व्यवस्था को लेकर बीजेपी ने नीतीश सरकार पर जमकर निशाना साधा, तो जेडीयू इस पूरे मामले को चुनावी रंजिश बताकर पूरा दारोमदार पुलिस प्रशासन के कंधों पर डालने में जुटी है। एक बार आप चले जाइए, देखा ये बिहार को, बसें लुटती हैं कि नहीं, किडनैपिंग होता है कि नहीं, डॉक्टर अगवा होते हैं कि नहीं, टीचर अगवा होते हैं कि नहीं, पटना में हर दो दिन के बाद मर्डर वगैरह होता है कि नहीं होता है, क्या मतलब है इसका? क्या मुजफ्फरपुर, क्या बेतिया, क्या कैमूर, क्या जहानाबाद, क्या भागलपुर, क्या मैं बात करूं, मुझे बताइए आप। सुशासन बाबू, या तो अपने सुशासन को समाप्त कर दीजिए उस शब्द को। अब जब तक आदमी पुलिस रिएक्ट करती है तब तक घटना हो जाती है, और उसमें यह है कि सरकार किसी वैसे लोगों को न बचाने का काम करे और तुरंत कार्रवाई करके गिरफ्तार करे और उन लोगों को तुरंत स्पीडी कोर्ट में ले जाकर सजा दिलवाए, जिससे कि लोगों में यह दहशत रहे कि हम कोई घटना करते हों तो हम तुरंत पकड़े जाएंगे और हमारे ऊपर सजा होगी। ये सरकार का दायित्व है, और ये तो जो घटना जिटली में हुई है ये घटना आपसी विवाद का घटना है, कोई ऑर्गेनाइज्ड क्राइम नहीं है कि किसी और है, लेकिन तब भी पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की। पटना सिटी के जेठुली में हुई हिंसा और गोलीबारी बिहार में कोई पहली घटना नहीं है, इससे पहले भी इस तरह की कई घटनाओं से बिहार दहल चुका है। हाल ही में छपरा के मुबारकपुर में तीन युवकों को बंधक बनाकर घंटों पीटा गया, जिसमें एक युवक की मौत हो गई। वहीं बक्सर में मुआवजे की मांग को लेकर किसान और प्रशासन आमने सामने आ गए थे और बक्सर में हिंसा भड़क गई थी। बीजेपी इन आंकड़ों को हथियार बनाकर महागठबंधन सरकार पर ठीकरा फोड़ रही है। नीतीश के साथी और सरकार में सहयोगी रहे बीजेपी नेता सुशील मोदी के निशाने पर सीधे आरजेडी है। जेठली में हुई हिंसा के लिए सुशील मोदी ने आरजेडी पर गंभीर आरोप लगाए। सुशील मोदी के मुताबिक बिहार में एक बार फिर से जंगल राज लौट कर आ रहा है, तो वहीं आरजेडी इस पूरे मामले को चुनावी रंजिश बताकर अपना पल्ला झाड़ रही है।
कह रहे हैं कि जब से महागठबंधन की सरकार बनी है राजद के समर्थकों का मनोबल बहुत ऊंचा है और राजद के अधिकांश समर्थक आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं। जब कल की भी घटना में देखेंगे तो वो राजद से जुड़े लोग ही थे जो आपस में लड़ रहे थे, तो सरकार का जो नियंत्रण लॉ एंड ऑर्डर पर से वो खत्म होता जा रहा है। और जो हम लोग बार बार कहते हैं जंगल राज की वापसी, इसका मतलब क्या, जो लालू जी का 15 साल का राज था लगता दोबारा लौटकर बिहार के अंदर आ रहा। यहाँ भी वो हालत है, ये कोई शंकर के त्रिशूल पर बसा हुआ तो है नहीं बाबा की नगरी जहाँ सब लोग एकदम धर्म परायण हो। यहाँ भी झगड़ा है, आपस का झगड़ा है, एक ही बिरादरी के लोग हैं, एक मुखिया हैं दूसरे मुखिया के प्रतिद्वंदी हैं, जमीन का मामला भी है, चुनाव का मामला भी है और झंझट हो गया। गोली बारूद सब चला, कई राउंड सुना की गोलियां चली, दो दो लोग मारे गए, पुलिस विलंब से पहुंची। पटना सिटी में हुई इस घटना ने एक बार फिर से बिहार की कानून व्यवस्था को लेकर सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है। हालांकि सत्ता की कमान संभालने कुछ नेता इस पूरे मामले को चुनावी रंजिश बताने में जुटे हैं, लेकिन सवाल तो ये है कि आखिर बिहार में कानून व्यवस्था को ताक पर रखकर कब तक खूनी संघर्ष चलता रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। कार्यक्रम में आज इतना ही।